जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन की, यानी कि यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप बीएड करना चाहते हैं तो आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी की सीट पर या डायरेक्ट एडमिशन हम कहें तो आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसको लेने के एडवांटेज क्या है एडमिशन को, और यदि आप एडमिशन लेते हैं तो डिसएडवांटेज क्या है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं यूपी बीएड में एडमिशन की। स्पेशली हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीएड के एडमिशन की। तो उत्तर प्रदेश में जो बीएड के एडमिशन होते हैं वो तीन तरीके से कराए जाते हैं, यानी कि तीन तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएड के एडमिशन होते हैं। सबसे पहला है जो हमारा उत्तर प्रदेश में हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको पिछले कुछ सालों से लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। इसमें लगभग 2.5 लाख सीट है, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन कराया जाता है। इसमें पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में फिर आपके जो है काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में फिर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके फिर आपको कॉलेज मिलते हैं, जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, आपका छत्रपति साहू जी महाराज है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। तो ये आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फिर आपको इन यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। दूसरा है जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, सुभारती यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अमेठी यूनिवर्सिटीज है। तो इन सब में भी क्या है, आपकी बीएड की सीट होती है, एनसीटीई से अप्रूवल होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, ये अपना अपनी इनका अपना अलग अलग प्रोसीजर है कि अब वो मेरिट के बेस पर एडमिशन करा रहे हैं, अपनी मेरिट बना रहे हैं, या वो कोई एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उनका अपना है, यानी कि उनको अपनी जो सीट है वो किस तरीके से फिल करनी है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अब हम बात करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे हम बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि जितने भी बीएड के कॉलेज हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप उन सभी में एडमिशन ले सकते हैं यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज ही सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन जिन कॉलेजों में माइनॉरिटी की सीट होती है। माइनॉरिटी की सीट के लिए सभी कॉलेज नहीं है, बहुत लिमिटेड कॉलेज हैं, बहुत ही लिमिटेड कॉलेज हैं, मुश्किल से लगभग 25 से 30 कॉलेज हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी के कॉलेज लगते हैं। अब उसमें भी आपकी कंडीशन होती है कि जब आपके रजिस्ट्रेशन पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने उन पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराती है, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराती है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन कब निकलते हैं, तो ये जो रजिस्ट्रेशन निकलते हैं ये एडमिशन के टाइम पे ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए पहले बहुत टाइम पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में उन्होंने पूछा भी है कि सर इसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट निकल गई है क्या, तो रजिस्ट्रेशन इसके जब एडमिशन टाइम होता है उसी टाइम पर इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपका एडमिशन टाइम चल रहा होता है तभी आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आप जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सीट और कॉलेज बहुत लिमिटेड हैं। मैंने जैसा आपको बताया है जो इसकी माइनॉरिटी की सीट और कॉलेज बहुत लिमिटेड हैं, तो यदि आप भी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आप जिस भी कॉलेज में माइनॉरिटी की सीट है उसमें जल्द से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जहां तक भी हो सकता है आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं कि आपको माइनॉरिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो साथियों, माइनॉरिटी में एडमिशन लेने के एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि यदि आप बीएड करते हैं माइनॉरिटी की सीट पर तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने काउंसलिंग के थ्रू किया है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते ही हैं।
अब बात करते हैं कि सर हम प्राइवेट से भी कर सकते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे कर सकते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि यूनिवर्सिटी में जो सीट होती है वो 100 सीट होती है और उनके यहाँ पे एडमिशन जाके देखेंगे तो आपके 200 हो गए, 300 हो गए, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आपको बीएड करनी है तो आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें, अदरवाइज आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इग्नोर करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीएड ना करें, आप जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां से चाहे काउंसलिंग थ्रू करें या फिर आप डायरेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दिया कि वहां पर स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्कॉलरशिप आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं आती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है आपके एडमिशन को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।